जैसा कि मैंने बताया था कि मैं बताऊंगी मैंने क्या क्या ख़रीदा। तो सबसे पहले मैंने चूड़ियाँ खरीदी, उसके बाद कुछ हम स्टोन नेकलेस खरीदे और निकल गए आगरा फोर्ट के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। बहुत बढ़िया। तो मैं आ गई आगरा फोर्ट पे, आ चुकी हूँ। अभी हम जा रहे हैं टिकट लेने, उसके बाद इसके अंदर जाएंगे। उसके बाद हम टिकट लेते हैं और हमारा होता है टिकट चेक, और उसके बाद हमारी एंट्री हो जाती है आगरा के रेड फोर्ट के अंदर। माय गाइड तो ये आपको बताएगी रेड फोर्ट के बारे में, क्योंकि मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, ये सेकेंड टाइम आ रही हूँ, तो सारे आइडिया। तो ये आपको बताएगी क्या कहाँ क्या है। तो बताओ, लेट्स स्टार्ट। मैं सिर्फ इतना बताऊँगी कि कौन सी जगह कहाँ है, मुझे इसके बारे में और कुछ नहीं पता। इसकी हिस्ट्री नहीं पता, पढ़ी तो बहुत है लेकिन आगरा का जो रेड फोर्ट है इसके बारे में उसको हिस्ट्री नहीं पता। काम चल रहा है अभी, तो दैट्स वाई उसके अंदर हम नहीं जा सकते। तो मैं जा सकते हैं, देखो देखते हैं अभी क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ कुछ काम चल रहा है, बट देखते हैं क्या होता है। यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन होने की वजह से हम यहाँ नहीं जा पाते हैं। तो ये मेरी गाइड जो साथ साथ चल रही, इसने बताया कि यहाँ का अंगूरी बाग है। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का अंगूरी बाग कैसा है। यहाँ अंगूर नहीं होता, बस नाम है अंगूरी बाग। ओके, अब ये नहीं समझा कि आप अंगूर होते हो इसलिए अंगूरी बाग हो। नहीं नहीं, यहाँ पे बस नाम है इसका। तो रुको मैं दिखाती हूँ। उसके बाद हम थोड़ा चल के आए, हमें मिला अंगूरी बाग जो कि आगरा फोर्ट के अंदर ही है, और ये पूरा राजस्थान के वाइट मार्बल से बना हुआ है। और हमने देखा कि यहाँ से हमें आगरा का ताजमहल भी दिख रहा है। तब तक मेरी नज़र यहाँ पर थी और मेरा तो यहाँ पर दिल ही आ गया, इतना प्यारा लग रहा था यहाँ पर। नहीं, यहाँ पर जा नहीं सकते बस। तो बस हो गया, इतना ही व्लॉग आने वाला है। उसके बाद हम वहाँ से निकले, हमने देखा कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस, और हम नींबू पानी पिए और बच्चों को पिलाया मैंगो फ्रूटी, और हम वहाँ से निकल गए अपने होटल के लिए। गाइस, तो हम आ चुके हैं अपने रूम पे और अभी चेंज करने जा रही हूँ मैं। मैंने चूड़ियाँ खरीदी है, थोड़ा रेस्ट करेंगे एंड उसके बाद हम निकलेंगे मथुरा के लिए। तो हम स्टेशन के लिए हम रेडी हो चुके हैं। मैंने क्या लुक ट्राई किया, वाओ गाइस। अभी थोड़ी देर पहले मैं हीरोइन बनकर घूम रही थी, पर अब कि मैं कैसी पहन के जा रही हूँ, क्योंकि बस में जाना है और मैं कंफर्ट चाहती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। तो गाइस, अब हमने चेकआउट कर लिया, अब हम जा रहे हैं मथुरा। यहाँ से हम बस स्टैंड जा रहे हैं, यानी यहाँ से बस मथुरा जाएंगे। हे गाइस, तो अब हम बैठ गए बस में और अब हमारी बस चलती मथुरा के लिए। तो अभी हम मथुरा जाके आपसे मिलते हैं एंड आपको मैं दर्शन कराती हूँ श्री कृष्ण और राधा जी का। थोड़ी ही देर बाद हमारी बस चल देती है और हम पहुंच जाते हैं वृंदावन। वृंदावन में बहुत होटल ढूंढने के बाद हमें कोई ढंग का होटल मिलता है, हम चेक इन करते हैं। हे गाइस, तो हम आ चुके हैं वृंदावन और ये रहा हमारा रूम।